नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5 के पाठ 5 का आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया आती जाती सांसें। खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है, दौड़ कर आने पर सांस तेज चलती है। हम जब खेलते हैं तो वहाँ पे दौड़ना भी पड़ता है, कूदना भी पड़ता है, तब हमारी सांस तेज आने लगती है, हमारी सांस लग जाती है। आपने देखा कि गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। हमारी सांस या हमारी फूंक होती है वो हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो हमारी सांस फूलने चलने लग जाती है, हमारी सांस तेजी से चलने लगती है। तब हम किसी भी चीज़ के, जैसे ठंडी सतह पर हम तेजी से सांस लें, तो गिलास या किसी दर्पण पर फूंक के कारण या अपने सांस के कारण धुंधलापन आ जाता है। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, यानी कि कमजोरी होती है जो उसको दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, यानी कि हमारे जो खेल होते हैं वो खेल खेलने से, नियमित खेल खेलने से हमारे जो शरीर में कमजोरी होती है वो दूर भाग जाती है और सुंदर और स्वस्थ खेल हमें प्रदान करते हैं। कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल, यानी कि खेल होते हैं वो बहुत हमें कौशल सिखाते हैं, बहुत हमें कौशल बनाते हैं। रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। अभी हमने जो पाठ पढ़ा था उसी के योग नामक पाठ पढ़ा था, उसी के कुछ प्रश्न ये आपको अपने गृह कार्य में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं, आपको बताना है योग से शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं। दूसरा प्रश्न है, फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, ये आपका आज का गृह कार्य है। धन्यवाद।